एक पावन तीर्थ है। यहाँ कण कण में भगवान का प्रतिबिंब दिखाई देता है। हमारी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत अद्भुत और अक्षुण्य है। धन्य झुंझुनू धाम में पंचदेव दरबार, प्रगटे बाबा गंगाराम श्री विष्णु अवतार। राजस्थान के झुंझुनू नगर में स्थित है विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम का पावन धाम श्री पंचदेव मंदिर। भक्ति, विश्वास और आस्था के प्रतीक इस देवस्थान की महिमा आज भारत ही नहीं संपूर्ण संसार में फैल रही है। करुणा, दया और प्रेम के अवतार बाबा गंगाराम यहाँ मूर्तिमान होकर लाखों भक्तों की उपासना के केंद्र बन गए हैं। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ नई चेतना, स्फूर्ति और शांति की अनुभूति करते हैं। हरता ऐसे दिन कर हरता तमको जैसे दिन बंधु दुख हरता ऐसे दिन कर हरता तमको जैसे घट घट वासी आनंद प्रकाशी बाबा सुख के धाम। मंदिर में प्रवेश करते ही सुरम्य, शांतिप्रद और सुखद वातावरण की दिव्य अनुभूति होती है। प्राकृतिक हरितिमा से ओतप्रोत मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण मन में सात्विक भाव जागृत करता है। बाबा के दिव्य स्वप्नादेश के पश्चात उनके अनन्य उपासक भक्त शिरोमणि देवकी नंदन ने बाबा के दिव्य धाम का निर्माण कराया था। मंदिर प्यारो घनो बनवायो रे, गंगा राम को वचन देव की खूब निभायो रे। प्यारो घणो बनवायो रे, गंगा राम को वचन देव की खूब निभायो रे। ओ खूब निभायो रे, देव की खूब निभायो रे। अरे खूब निभायो रे, देव की खूब निभायो रे। मंदिर प्यारो घणो बनवायो रे, गंगा राम को वचन देव की। त्रेता में श्री राम थे, द्वापर में घनश्याम, कलयुग में हरि रूप है बाबा गंगाराम। श्री पंचदेव मंदिर का निर्माण काफी आकर्षक, व्यवस्थित और सूझबूझ भरा है। मंदिर के तीन भव्य शिखर दूर से ही परिलक्षित होते हैं। शेखावटी की प्राचीन शैली में निर्मित इन शिखरों पर स्थापित कलश दर्शनार्थियों के मन में स्वर्गीय आनंद का आभास कराते हैं। मुख्य सभागार के ऊपर निर्मित गोपुरम दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का प्रतिबिंब जान पड़ता है। गरुड़ पर आसीन भगवान विष्णु की विशाल एवं चित्ताकर्षक प्रतिमा मन मोह लेती है। मंदिर परिसर में स्थित उद्यान, यज्ञशाला, कूप इत्यादि इसको मनोहारी और बेजोड़ बनाते हैं। यहाँ आने वाले भक्तगण बाबा गंगाराम का दर्शन कर अपने को धन्य बनाते हैं। जब जब धरती पर पापों का प्राबल्य होता है, तब तब श्री हरि विष्णु ने भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेकर मानव को नई दिशा और चेतना प्रदान की है। बाबा गंगाराम का भूलोक पर अवतरण प्रभु की ही एक लीला है। जय श्री गंगाराम बाबा, जय श्री गंगाराम, जय श्री गंगाराम बाबा, जय श्री गंगाराम। ओ कलयुग के विष्णु अवतारी, सुंदर छवि मन को। झुंझुनू नगर में सन
1895 में श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को माता लक्ष्मी देवी एवं पिता झूताराम जी के आंगन में बाबा गंगाराम ने अलौकिक शक्तियों के साथ अवतार लिया। बाबा के जन्म के समय दिव्य प्रकाश फैल गया। विद्वान कुल पुरोहित ने बतलाया कि यह बालक गंगा के समान पाप विनाशक एवं राम के समान कल्याणकारी होगा, अतएव इसका नाम गंगाराम होगा। गंगा जी जग पावनी सबके आश्रय राम, दोनों के संगम बने बाबा गंगाराम। गंगा भी और राम यहाँ है, गंगा के संग राम यहाँ है, गंगा के संग राम यहाँ है। ऐसा पावन नाम कहाँ है, से ही माता पिता को धर्म का उपदेश देकर सबको अपनी अलौकिक प्रतिभा का आभास करा दिया। उन्होंने अपने ज्ञान, दर्शन और आचरण से सबको स्तब्ध कर दिया। बाबा ने अपनी कर्म भूमि होने का गौरव उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में सफदरगंज नामक स्थान पर कल्याणी नदी के तट को प्रदान किया। कल्याणी नदी के जल में उन्होंने भक्तों को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए थे। वहीं स्थित वटवृक्ष के नीचे बाबा ने साधना की और मात्र 42 वर्ष की आयु में वहीं से स्वधाम गमन किया। स्वधाम गमन के पश्चात एक रात बाबा ने अपने प्रथम और अनुकरणीय आराधक भक्त शिरोमणि देवकी नंदन को स्वप्न में दर्शन देकर जन कल्याण हेतु मंदिर निर्माण का आदेश दिया। भांति भांति कौतुक कियो बाबा गंगाराम, देवकी नंदन धन्य हुए चरण प्रभु के धाम। इस प्रकार भक्ति और शक्ति का प्रतीक श्री पंचदेव मंदिर अपनी ध्वजा फहराने लगा। दशो दिशाएं मंगल गाने लगी। कलयुग में भक्तों के कल्याण के लिए प्रगटे हुए बाबा गंगाराम प्रत्यक्ष देव हैं। इनके अनगिनत चमत्कार भक्तों को प्राप्त होते हैं। विष्णु के अवतारी हैं, इनकी अमर कहानी, इनकी अमर कहानी। विष्णु के अवतारी हैं, इनकी अमर कहानी, इनकी अमर कहानी। अपने भक्तों की पापा जी सदा करे रखवाली, सदा करे रखवाली। अपने भक्तों की पापा जी सदा करे रखवाली, सदा करे बाबा गंगाराम का यह देवस्थान 5 देव मंदिरों को मिलाकर बना है।
इसलिए यह श्री पंचदेव मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित है विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम की सौम्य, आकर्षक एवं फलदायिनी प्रतिमा। बाबा के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। इसके साथ ही आदिदेव भगवान शिव, पद्मासन पर विराजमान मां लक्ष्मी, अष्टभुजी जगत जननी मां दुर्गा और आंजनेय हनुमान की प्रतिमाएं श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम की महिमा अद्भुत है। मंदिर में नियमित रूप से 7 आरतियां होती हैं, जिनमें बाबा के अलग अलग स्वरूप के दर्शन होते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु बाबा की 108 परिक्रमा अवश्य लगाना चाहते हैं। बाबा भक्तों के लिए सत्यनारायण स्वरूप है। भक्तजन बाबा के दरबार में मनोतियां करते हैं और मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। श्री गंगाराम देवाय नमः महामंत्र से व्यक्ति के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। यह कोई आडंबर और दिखावा नहीं है। श्रावण माह में बाबा की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इसके अलावा वैशाख में आशीर्वाद दिवस और ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा पर काटोत्सव पर्व समारोह पूर्वक मनाया जाता है। ऐसे उत्सवों पर भक्ति संगीत संध्या, शोभा यात्रा और अन्य धार्मिक आयोजनों की शोभा अवर्णनीय होती है। दाहिनी ओर भक्त शिरोमणि देवकी नंदन की पावन समाधि स्थित है। भक्त शिरोमणि देवकी नंदन ने अपने त्याग, तपस्या और भक्ति से श्री पंचदेव मंदिर को पावन तीर्थ स्थल में बदल दिया। वे बाबा की भक्ति में लीन होकर सांसारिक मोह से ऊपर उठ गए और अपनी करोड़ों की संपदा का क्षण मात्र में परित्याग कर वितरण कर दिया। राजा हरिश्चंद्र की भांति उनका त्याग आज के इस भौतिक युग में एक उदाहरण बन गया है। दुनिया ये सारी मुझको देती ताना, पागल मुझे कहता है सारा जमाना। दुनिया ये सारी मुझको देती ताना, पागल मुझे कहता है सारा जमाना। पथ में है कांटे कैसे फूल में खिलाऊं, पथ में है कांटे कैसे फूल में खिलाऊं, मंदिर तेरा मैं कैसे बनाऊं, मंदिर तेरा मैं कैसे बनाऊं।
भक्त शिरोमणि देवकी नंदन के महाप्रयाण के पश्चात उनके पार्थिव शरीर से अलौकिक चमत्कार जलती हुई चिता पर देखने को मिले। जब धर्मपत्नी गायत्री देवी ने दोनों हाथ उठाकर बाबा से भक्ति का सत्य प्रमाण देने की प्रार्थना की, तभी भक्त शिरोमणि देवकी नंदन का दाहिना हाथ जलती हुई चिता से स्वतः ही ऊपर उठकर आशीर्वाद देता हुआ हिलने लगा। शब्द चिता में तब हुआ, स्वतः उठ गया हाथ, मृत्युंजय होकर दिया सबको आशीर्वाद। इसके साथ ही उनका चेहरा बाल रूप में परिवर्तित हो गया और मस्तक से जल की धारा बहने लगी। इन अविस्मरणीय चमत्कारों के चित्र आज भी समाधि स्थल पर प्रदर्शित हैं। सचमुच भक्त की शक्ति असीम होती है। राम भक्त हनुमान की तरह वे सदैव बाबा के चरणों में विराजमान रहते हैं। देवकी नंदन अलख जगाई, ज्योत थारी घर घर पहुँचाई। देवकी नंदन अलख जगाई, ज्योत थारी घर घर पहुँचाई। भक्त शिरोमणि पायो नाम जी, हो भक्त शिरोमणि पायो नाम जी। कलयुग माही घर घर में, जय हो गंगा राम जी, जय हो झुंझुनू धाम की, जय हो गंगा राम की, जय हो झुंझुनू धाम की, जय जय हो पंचदेव दरबार की, हो हो जय जय हो पंचदेव दरबार की, ओ देवा तारी जय हो। मंदिर में जाने वाले सभी भक्त इस पावन समाधि का दर्शन कर यहाँ की रज को मस्तक पर लगाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। आशीर्वाद से भरी हुई इस रज से कष्टों का निवारण होता है। इस प्रकार बाबा गंगाराम का धाम श्री पंचदेव मंदिर जग कल्याण और अध्यात्म का केंद्र बिंदु बन गया है। मंदिर के अंतर्गत सेवारत ट्रस्ट और सेवा समितियां देश के विभिन्न भागों में कार्यरत हैं। विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम की शरणागति से आत्मसंतुष्टि और जीवन पथ पर सुखमय उजियारा सहज ही प्राप्त होता है। कलयुग में प्रत्यक्ष है बाबा गंगाराम, भक्त सहित भगवान को बारंबार प्रणाम। जय श्री बाबा गंगाराम।